सर मुस्कुराइए, आप कानपुर में हैं? ऐसा कोई जगह नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। अच्छा, सामने से ट्रक। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और कैसे मेरे YouTube फैमिली की अपडेट ये है कि अभी टाइम हो रहा है 3:35। आप देख सकते हैं पूरा तैयार है, ठीक है। बाकी आप सामान देख रहे हैं, इस एक बैग में काफ़ी है, पूरा फिल्ड है। ये बैग टैंक पे रहेगा और इसको हम बांधेंगे, ठीक है। तो बाइक पे मिलते हैं, अभी बात करते हैं। मंदिर बजरंग बली का, जय बजरंग बली। और यहाँ से राइड अपनी स्टार्ट करते हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राइड, लेट्स गो। पेट्रोल फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप चलते हैं, जो कि अभी इस टाइम पे चल रहा होगा। थोड़ी सी दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से पेट्रोल पंप। सो वहाँ पे चलते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे, देखेंगे, नेविगेशन लगाएंगे और देखेंगे कौन सा रूट सही रहेगा। तो टैंक फुल कर दो। टैंक फुल हो गया, अब निकलेंगे कानपुर की तरफ। और ये मैंने मोबाइल होल्डर नया लगाया है यहाँ पे, मस्त वाले ठंडे, जो दिल्ली की ठंड पड़ती। और ये नेविगेशन हमने लगा दिया है कानपुर के लिए, और कानपुर हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बहुत लंबी जर्नी है वैसे तो, बट होप करेंगे कि काफ़ी अच्छा कट जाएगा हमारे ये सफ़र और बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को राइड का मज़ा आएगा और आप लोगों को भी आनंद आएगा। डायरेक्शन हमें गूगल माता बताती हुई कि यहाँ से कैसे जाना है। सो थोड़ा थोड़ा हम अपना आइडिया भी लगाते रहेंगे, क्योंकि हमें जो रूट पकड़ना है वो यमुना एक्सप्रेस में से नहीं पकड़ना चाहता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया हमने पानी वानी पीने का, और मुझे लग रही थी थोड़ी सी सर्दी, तो मैंने अभी एक थर्मल लाइनर निकाला और अंदर से डाला है थर्मल लाइनर भी जैकेट के अंदर। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रुके हैं और चाय बनवा रहे हैं, पियेंगे चाय। देखो भाई साहब चाय बना रहे हैं, तो चाय पीने का प्रोग्राम है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हमने पीछे ढाबे पे चाय वगैरह पी लिया है और निकल पड़े हैं फिर डेस्टिनेशन की ओर। और देख पा रहे होंगे आपकी जितनी ठंड हो रही है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, सो उसके अकॉर्डिंग हम स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन किए हुए हैं यहाँ पे। सो चलते हैं और कुछ दिखाते हैं, थोड़ा आपको जो दिखाने लायक नज़ारे होंगे। अभी हम पहुँचे हैं अलीगढ़, और ये जो टोल है वो अलीगढ़ वाला टोल है। कानपुर आई थिंक 230 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। सो देखते हैं कि कितना टाइम लग जाता है हमें कानपुर पहुंचने में। अभी तो बहुत बढ़िया राइड हो रही है और मॉर्निंग मॉर्निंग का जो मौसम है वो बहुत फ्रेशनेस दे रही है। सो गाइस अभी अलीगढ़ से निकले ही हैं और ऐसे रोड्स मिले हमें, ऐसे रोड्स ने हमें स्वागत किया है यहाँ पे। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे राइड करके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और जो बॉडी की हालत हो गई है ना ऐसे रोड पे चला चला के, कल पुर्जे ढीले हो गए हैं बिल्कुल। काफ़ी टाइम से मैं ऐसे रोडों पे चला रहा हूँ, मतलब करीब 30 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा मैंने राइड कर लिया है इस रोड, ऐसे रोड पर। एवरीवेयर डाइवर्सन डाइवर्सन, और माय गॉड ये गड्ढे ने जान ले रखी है। चलते हैं अभी थोड़ा थोड़ा, ओए कितने गड्ढे आएंगे भाई। चलते हैं धीरे धीरे, निकल ही जाएंगे, देखते हैं कब तक ऐसी राइड करने को मिलता है। चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ये फाटक खुला हुआ है अभी रेलवे का, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। अरे अरे अरे, सामने से ट्रक। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ऐसे टाइम में फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए इंसान को। राइड हार्ड। हाँ
कि कुछ गांव देश के नज़ारे बढ़िया, लेकिन रोड बिल्कुल बढ़िया नहीं है। सो गाइस, अभी अपडेट ये है कि ये देखिए और ये देखिए, गांव देश के नज़ारे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बात कुछ ऐसी है, अभी 87 किलोमीटर कानपुर रह गया है यहाँ से, और पीछे के रोड की मैं बात करूँगा ना तो बहुत बेकार था भाई। कैसा रोड था पीछे का? मज़ा आया? कमर टूट गई। अभी हो गए तैयार, अभी थोड़ा वाटर ब्रेक लिया है, पानी वानी पी लिया है, तो फटाफट चलते हैं, 87 किलोमीटर भी क्रॉस करते हैं और कानपुर में मिलते हैं आपसे। बैग एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अब। कानपुर 86 किलोमीटर, सो यहाँ से 86 किलोमीटर है अभी। वाह, खुली खुली हवा शहरों में कहाँ मिलती है। देखिए भैंसों को लेके जा रहे हैं ट्रक में। ये कौन सी जगह है? मानी मऊ, मानी मऊ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, सो ये इधर है, हमें सीधा जाना है ना। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ऊपर, और हमें यही रूट लेना चाहिए था, बट हमने नेविगेशन लगाया और हमें रूट ये समझ में आया, पता नहीं था कि इतना ख़राब रोड होगा। चलो कोई बात नहीं, अब तो पहुँचने वाले। सो मोटो ब्लॉगर होने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये चीज नहीं दिखाई तो। जो बन गई है यंग जनरेशन की पसंद, 14,999 न्यूनतम ब्याज दर 8.99% के बारे में जाने। सो इस जगह का नाम है बिल्हौर, और अच्छी खासी मार्केट है यहाँ पे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, अभी तक तो नहीं हुई है, अभी तक तो बड़ी चैलेंजिंग यात्रा रही है फिलहाल। चलिए 50 किलोमीटर और फिर कानपुर में मिलते हैं। एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी चोटें वोटें लगी हैं लेकिन ठीक हैं अभी। वो ठीक है ना? ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है। क्या हुआ था? वो बाइक वाला आगे जा रहा था, वो पीछे स्कूटी वाला जा रहा था। अच्छा अच्छा, ज़्यादा लगी नहीं है ना। ठीक, सिंगल लेन है और चौड़ाई इसकी बहुत कम है, इसी रोड पे आना और जाना दोनों है। आप कभी भी ऐसे रोड पे राइड करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि मुझे कितना जगह चाहिए और मैं कितने तेज़ी से चल रहा हूँ, आगे पीछे का भी ध्यान देना पड़ता है कि। चलिए फिर चलते हैं अब, और थोड़ा सा ध्यान देना बनता है ऐसे रोड्स पर। देखो ट्रेन, बढ़िया। ये कोई स्टेशन है शायद, कानपुर का ही होगा। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर, और ताज़ा अपडेट ये है कि ये देखिए मेट्रो का पुल आप देख पा रहे होंगे, तो शायद ये बड़ा सरप्राइजिंग है, मेरे को पता नहीं था कि मेट्रो का काम भी यहाँ पे शुरू है। इसका मतलब जल्द ही आप इस सिटी में मेट्रो भी देखेंगे। सो, और अपना प्लान कुछ ऐसा है, प्लान क्या बताऊँ यार, प्लान की सब धज्जियाँ उड़ गई हैं, इतनी लेट हो गए हैं। लंच तो क्या ही करेंगे, लंच का टाइम नहीं है, डिनर का टाइम है, और वैसे भी हमने लंच 2-3 बार रुक के पीछे घर से, हमारी बेटर हाफ ने बड़े प्यार से कचौड़ियाँ बना के दी थी जो कि हमने खा लिए हैं। सो अब क्या करना है कि दीपक का है मूड ख़राब, दीपक मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, उसका है मूड ख़राब क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा है और रोडों की वजह से रोड काफ़ी ख़राब थे, हमारे बॉडी एकदम बैंड बज गई है बॉडी की। सो हमें तो देखो, मुझे तो आदत है ऐसे एडवेंचर की, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई परेशानी नहीं है, और दीपक को नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। सो अब उसका मूड सही करेंगे, वैसे कि
अच्छी जगह जाके देखिए हम जहाँ जाते हैं पता लगा ही लेते हैं कहाँ पे खाने पीने का अच्छा सामान मिलता है। तो पता लगा के दीपक को डिनर कराते हैं बढ़िया सी और ख़ुद भी करते हैं और फिर वहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। वहाँ से हम निकलेंगे इलाहाबाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करके कानपुर को। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं कानपुर में एक्सप्लोर करने के लिए, सिटी है ये और अभी और डेवलप हो रही है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेट्रो का काम शुरू है। अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना अच्छा मिलता है। चलो चिड़ियाघर 3 किलोमीटर, कंपनी बाग 5 किलोमीटर। सो ये है मेन कानपुर और यहाँ के कुछ जगह हैं और मार्केट देखिए काफ़ी अच्छा खासा है और रुकते हैं कहीं कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइस अपडेट ये है कि अभी हम आए हैं जिस रेस्टोरेंट पे, उसका नाम है नारायण रेस्टोरेंट और प्योर वेजिटेरियन। चलते हैं अंदर, कुछ करते हैं पेट पूजा और फिर काम करेंगे दूजा, मतलब फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे और रेस्ट लेने के बाद देखते हैं क्या प्लान रहता है। चलें सर, मुस्कुराइए, आप कानपुर में हैं। भाई बात कुछ ऐसी है, अभी हमने पीछे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा लिया है और बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पे नारायण रेस्टोरेंट। सो आप कभी आए तो ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा खाना था। और खाना कैसा था आपका? अब तो मुस्कुराहट भी आ गया। फेवरेट खाना था। अच्छा, ये है कि खाली अब नींद आ रही है। नींद आ रही है। तो अभी एक दोस्त है हमारा जो मेरा कलीग था, अभी प्रमोशन होके कानपुर में है, तो पहले उससे जाके मिलते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे इलाहाबाद की तरफ। तो अभी चलते हैं फ्रेंड से मिलते हैं एंड देन थोड़ी कुछ बातें करेंगे और फिर चलेंगे इलाहाबाद। यहाँ से क्या बता रही है गूगल माता? ओके, इधर ही है। हाँ ये रोड है। ओहो, अब क्या बता रही है गूगल माता? सीधा। और कानपुर देखो रात में कुछ इस तरह से लगता है। अब यहाँ से तो कुछ कुछ दिल्ली की भी यादें आ रही हैं। भाई ये क्या हो रहा है? हम तो लाइट पर रुके हुए हैं और ये हो क्या रहा है? कैमरे लगे हैं फिर भी कुछ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अरे भाई हो क्या रहा है ये? भाई साहब किस बात की लाइटें लगवा रखी हैं जब कोई फॉलो ही नहीं कर पा रहा है? भाई इस चीज़ में तो दिल्ली है, दिल्ली फॉलो करती है। अरे यार ये जो दुकान है इसमें क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वाह, जरा देखते हैं क्या मिस्ट्री है इस। लड्डू फेमस है? हाँ। अच्छा अच्छा, अच्छा दिल्ली में गांधी जी की प्रार्थना सभा में डेली जाते थे। अच्छा, तो गांधी जी ने जो लिखा है अपनी किताब में चीनी सफेद जहर, चीनी का लड्डू तो बनेगा नहीं। हाँ बिना चीनी का लड्डू बनेगा नहीं। इसके मतलब कि हम आदमी का स्वास्थ्य और पैसा दोनों ठग रहे हैं। सही बात है। अपने को अंदर झाँक के देखा तो ठग्गू नजर आया, इसलिए ठग्गू लड्डू। अच्छा अच्छा, तो ये लाइन लिखी गई थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। अच्छा, दुकान आओगे हुजूर तो ठगे जाओगे जरूर। हाँ लड्डू खाओगे तो इतना बहुत बड़ा स्लोगन था। क्या बात है। रखा हुआ ऐसा क्यों? इसका एक्चुअली कुर्सी भाई फुटपाथ भी दिखती है, तो इसके लिए स्लोगन लिखा गया कि बदनाम वही होती जो दिखती फुटपाथों पे, बंगलों पे दिखने वाली बदनाम। क्या बात है। लड्डू में देखो काजू डाल रखे हैं। आएंगे कैसा है, टेस्ट कैसा है? सही है, बढ़िया। सो अभी खाते हैं और फ्रेंड आने वाला है मेरा, उससे मिलते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से।
कानपुर का बड़ा चौराहा कहते हैं इसको, और ये है जेड स्क्वायर, कानपुर का इकलौता सबसे बड़ा मॉल। और हमारे मित्र लोग भी मिल गए हैं, देख सकते हैं नीरज। गाइस आई एम एट जेड स्क्वायर मॉल कानपुर। डेकोरेशन बहुत अच्छी है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। तो अभी चलते हैं, जर्नी यहाँ पे फिनिश होती है कानपुर की। अभी करेंगे हम रेस्ट, दोस्त से भी मिल लिया, कुछ खा भी लिया, अच्छा फील भी हो गया, मॉल भी देख लिया यहाँ का। तो अब चलना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, दो या तीन घंटे का रेस्ट करेंगे, उसके बाद इलाहाबाद के लिए निकल पड़ेंगे नेक्स्ट राइड पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड पे, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया तो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।